हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जमीकंद, यानी कि इसे ओल कहते हैं। और ये देसी ओल नहीं है, ये ऐसी जो एकदम ही मुँह नहीं काटता है वो वाला है। और मैंने चना दाल को ओवरनाइट के लिए ला के रख दिया था। अभी मैं उसको पीस लूँगी थोड़ा सा पानी दे करके, और फिर ओल को मैं बॉयल कर लूँगी। और अब हम एक मसाला रेडी करेंगे। तो मसाले में मैंने पहले यहाँ पे पीसा है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो इन तीनों चीज़ को मैं अलग पीसूँगी, और फिर मसाला फिर मैं अलग से पीसूँगी। तो ये देखिए हमारा पेस्ट बन चुका है। तो सेम जार में मैंने थोड़ा सा लिया है धनिया, साबुत धनिया और जीरा लिया है, और काली मिर्च और एक तेज़पत्ता और रेड चिली। तो रेड चिली आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, और इन सबको भी पीस लेना है। तो फिर एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। सरसों तेल में ही ये बहुत ही टेस्टी बनेगा, तो आप सरसों तेल में ही बनाइएगा। और थोड़ा सा डालेंगे जीरा और फिर हल्दी। हल्दी इसलिए डालेंगे ताकि कलर बहुत अच्छा आएगा, और जो हमने ये चना दाल पीसा था उसको हम इसमें डाल करके भूनेंगे। तो हमें इसे भूनना है, और फ्लेम को लो ही रखेंगे, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे। और इसे अच्छे तरीके से मतलब चलाना है ताकि गुठलियाँ ना पड़े। और जब आपने जीरा और हल्दी डालेंगे ना, उसी टाइम पे आप अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का डाल दीजिएगा। मैं भूल गई थी, तो मैं अभी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा तेल देके। तो ये भी मतलब हो गया था अच्छे से, तो आप उस टाइम पे ही आप डाल लीजिएगा। इसे भी हमें भून लेना है, और जैसे ही ये भून जाएगा उसके बाद फिर हम इस सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही सब्ज़ी टेस्टी लगता है, आप एक बार ज़रूर बना के खाइएगा। तो ये देखिए हमारा अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो तेल सेपरेट कर रहा है, इसका मतलब वो भून चुका है। तो हम दाल के साथ इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और जब तक ये कि बेसन हमारा भून रहा है, तब तक हम ओल यानी कि जमीकंद को हम मैश कर लेंगे। तो हमें बेसन को बहुत अच्छे बेसन बोल रही हूँ, चने दाल के बेटर को हमें बहुत अच्छे तरीके से हमें चलाते हुए भूनना है, ताकि वो गुठलियाँ ना पड़े। क्योंकि गुठलियाँ अगर नहीं पड़ेगा तो ही ज़्यादा अच्छा बनेगा ये सब्जी। तो तब तक भून रहा है बेसन, तब तक हम अपना यहाँ पे जमीकंद को मैश कर लेते हैं। तो ये देखिए फॉक की हेल्प से हमें मैश कर लेना है। जितना आपका चना दाल है उससे हाफ क्वांटिटी में ही हमें मतलब थोड़ा सा, जैसे कि हाफ क्वांटिटी में ही हमें जमीकंद लेना है, तो जो हाफ है वो उसे मैं उसका कुछ और बनाऊंगी। और हाफ क्वांटिटी मैंने ले लिया है जितना मुझे चाहिए था, और उसको मैं मैश करके फिर मैं चने दाल के बैटर में मिला दूंगी। ये देखिए लगभग भून ही चुका है। अब हम इसमें जो जमीकंद है उसे मिला देंगे, और मिक्स करके हमें इसे कम से कम 2 मिनट के लिए भूनना है लो फ्लेम पे। और फिर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिएगा। और फिर हम इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। Thank you.
तो लगभग हमारा जो बेसन और जमीकंद है वो भून चुका है, तो हम इसे निकाल लेंगे। एक थाली में हम थोड़ा सा तेल ग्रीस करेंगे और उसके बाद फिर हम ये जो चने दाल और जमीकंद है इसे हम हल्के हाथों से तेल लगा के इसे फैला देंगे। इसका टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट लगता है, आप एक बार जरूर बना के ट्राई कीजिएगा आप लोग। तो हम इसे चारों तरफ से फैला लेंगे और गरम में ही फैलाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर वो अच्छे से फैलेगा नहीं, वो एक ही जगह टाइट हो जाएगा। तो इसे बहुत अच्छे तरीके से हम फैला देंगे और उसके बाद फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे। हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसको कट कर लेंगे। तो आप कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, स्क्वायर में, बर्फी कट में, किसी भी शेप में। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है, अब हम इसको तलेंगे। तो मैंने एक कढ़ाई चढ़ाया है और उसमें डालेंगे सरसों तेल। सरसों तेल में ही ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो सरसों तेल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। और इसमें हम सारे जो भी हमारे ये बर्फी हैं सबको हम फ्राई कर लेंगे उलट पलट के दोनों साइड से, हल्का सा सुनहरा रेड तक। ये देखिए दोनों साइड से फ्राई हो गया, अब हम इसे निकाल लेंगे और सेम इसी प्रोसेस से मैं सारा का सारा बर्फी जो है तल के तैयार कर लूँगी और उसके बाद फिर हम मसाले की तरफ चलेंगे। ये देखिए सारा फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे, सेम तेल में हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और एक तेज पत्ता डालेंगे और दो इलायची। उसके बाद फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे, तो प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए प्याज हमारा लगभग हो चुका है थोड़ा बहुत, तो फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। और टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो याद रहे नमक हमने उसमें भी डाला था और फिर हम नमक इसमें ऐड कर रहे हैं ग्रेवी में, ग्रेवी के लिए। तो मैं अभी सारा नमक डाल दे रही हूँ जितना मुझे चाहिए, और फिर मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है ताकि कलर बहुत अच्छा सा आए, और नमक इसलिए डाला ताकि प्याज और टमाटर घुल जाए। के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, इसे भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा थोड़ा बहुत अदरक जो है भून चुका है, अदरक लहसुन, तो फिर मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिया है। और मसालों को ऐड करने के बाद फिर हम थोड़ा सा पानी दे करके इसे बहुत अच्छे तरीके से हम भून लेंगे तेल सेपरेट होने तक। ये देख सकते हैं आप चारों तरफ से तेल सेपरेट हो रहा है, मैंने हाई फ्लेम करके इसे थोड़ा सा मतलब भूना है ताकि इसका टेस्ट बहुत ही सौंधा सौंधा सा आए। और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी, तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता भी ऐड किया है, क्योंकि भूनते टाइम में धनिया पत्ता ऐड करने से ना और भी अच्छा सा मतलब खुशबू आता है और अच्छा सा फ्लेवर आता है। फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आपको कितना पतला ग्रेवी चाहिए और कितना थिक चाहिए।
तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से डाल लिया है पानी। पानी में बॉयल आ चुका है तो अब मैं इसमें सारे बर्फी जो है मैं डाल दूंगी। और उसके बाद फिर हम इसे ढक करके कम से कम 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो मैंने 2 मिनट बाद ढक्कन हटाया है और इसे थोड़ा सा चलाएंगे और उसके बाद फिर हमें इसे फिर से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा सब्जी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं उस टाइम पे बर्फ़ी कितना पतला था और अभी ग्रेवी में जाके कितना मतलब फूल गया है। तो बहुत ही स्पंजी और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और गार्निश कर देंगे धनिया पत्ते से। तो ये रहा मेरा जमीकंद और चने दाल की सब्जी जो कि बहुत ही टेस्टी है और एक अलग ही अंदाज में ये मैंने बनाया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आया है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी नई नई रेसिपी लेकर के मैं आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।